इतनी गोलियां खाने के बाद भी तुम दोनों मरे नहीं? महक, आप जिंदा है? हाँ, मर गई थी, लेकिन उस रात जो मरी वो मैं नहीं थी। मुझे बचाया? वो सब ठीक है, लेकिन इन बातों के लिए अभी वक्त नहीं है। तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना होगा। तुम्हें मेरा रूप लेके स्वर्णा को रोकना होगा, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। बस अब इस जड़ी की असर से तुम किसी को कुछ नहीं बता पाओगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम और स्वर्णा मुझे जीने नहीं देते, इसलिए मेरा मरना जरूरी था। और फिर तुम्हारे अपने नहीं किसी ने मेरी मदद की थी वो नागमणि चुराने के लिए। जानना चाहती हो कि वो कौन है? उठो, तुम जल्दी से बच्चे को लेके जाओ, मैं देखता हूँ उसे। पूर्विका, जल्दी आओ, कहाँ? पूर्विका, महल, माँ, जल्दी से अपने नागिन रूप में आओ और यहाँ से चले जाओ, जल्दी। ये मेला तो मैं होने नहीं दूंगी। तेरे पति को मार दिया, अब तुम तीनों मरोगे। मैंने पूरे घर में घासलेट डाल दिया है और ये आग तुम सबको जला के राख कर देगी। महक, महक, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरी बच्चियों को छोड़ दो। आज सब खत्म। हाँ, नागेश्वरी का वंश खत्म। खत्म। हाँ, आज शेष नागिन की पूरी परिवार की कहानी खत्म। आज आपकी शिवरता ने आपको आखिरी प्रणाम करती है। जय भोलेनाथ।
सब खत्म हो गया प्रथा, देख तेरे प्रार्थना का अंश वंश सब खत्म हो गया, यहाँ तक कि प्रार्थना खुद जल के राख हो गई। स्वर्णा क्या हुआ? हाँ गम मत खा, तुमने जो किया ना, अरे तुमने तो एक ढूंढते ही बाजी पे दाव लगाया था, मैं तो पहले से ही जीत चुकी थी, बस मैंने तुम्हें जीतने का स्वाद चखाया था। महक, अरे अशिता, वाह आओ नजारा देखो, हाँ जला दिया मैंने सब कुछ, खत्म हो गया सब कुछ। थैंक यू महक, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरा बदला ले लिया। मेरा भाई जीत, प्रोफेसर जीत पाटिल, जिसे उस प्रार्थना ने मार दिया था, मेरे भाई की मौत के बदले वो इसी दर्दनाक मौत के लायक है। अब वक्त आ गया है, ये नागमणि जो मेरे पास है और ये नागमणि हमेशा मेरी होनी चाहिए थी, और अब ये नागमणि मेरी होगी। इसका तो हालत खराब, दोनों को हॉस्पिटल ले जाते और चलो। हे शिव जी, आप कभी नहीं चाहते थे ना कि मैं शेष नागिन बनूं? आपने मुझे रोका था, सबने मुझे रोका, लेकिन आज मुझे कौन रोकेगा? उस रात जो घाट हुई मेरी किस्मत ही बदल गई, लेकिन मैंने अपनी किस्मत खुद ही बदली और मैंने वो हासिल किया जो हमेशा मेरी ही थी, और आज मैं बनूंगी नागिनों की नागिन, शेष नागिन, और आज आप भी मुझे रोक नहीं सकते। आप में ये नागमणि अपने नाभि में धारण करूंगी और मैं बनूंगी शेष नागिन। कालों के काल महाकाल को मत ललकारो महक, बंद करो ये तमाशा। तुम ये जो कर रही हो वो ना सिर्फ महादेव के विरुद्ध है बल्कि समुचित ब्रह्मांड के खिलाफ है। छोड़ दो अपना ये अहंकार, ये घमंड, वरना ये ब्रह्मांड तुम्हें दंड देगा। ओ नागराज, आप हमेशा ज्ञान ही देते हो, ज्ञान देने के सिवा और कुछ आता है भी क्या आपको? हमेशा मेरे खिलाफ ही बात करते हो, देख नहीं रहे हो कि नागमणि मेरे हाथ में है, तो जरा तमीज से बात कीजिए। सम्मान से तुम बात करो महक, और ये बेकार के सपने देखना बंद करो, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो जो तुम कर रही हो वो असंभव होने के साथ साथ बहुत गलत भी है। जो मैं कर रही हूँ ना, मैं सही कर रही हूँ, और जो आप कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, तो मुझसे ना जरा दूर ही रहो। मैं प्रार्थना या प्रथा नहीं हूँ कि जो आप बोलोगे मैं सुनूंगी, और जो आप बोलोगे करने के लिए मैं सिर झुका के करूंगी।
तो मेरे मामलों में ना दखल अंदाजी मत करना, और चुपचाप जो मैं बोलती हूँ ना वो करना, क्योंकि शेष नागिन मैं ही बनूंगी। मीनाक्षी, तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। देख, उम्मीद की डोर कभी मत छोड़ना। और पुश कीजिए, बस बस। देवों के देव महादेव ऐसा कभी होने नहीं देंगे। वो किसी अनुचित और अयोग्य व्यक्ति को ये मणि कभी धारण नहीं करने देंगे। अपनी आंखों से ही देख लो। चलिए अब अपना सिर झुकाइए मेरे सामने। वो क्या कहती थी वो प्रार्थना? नागनों के नागे, शेष नागे, अब मैं वो हूं। अब तुम तो क्या बुरा नागलोक मेरे सामने अपना सिर झुकाएगा, और झुकाना पड़ेगा, मेरा हर एक हुक्म मानना पड़ेगा। इतना अहंकार अच्छा नहीं मैक, महादेव से डर। आखिर वो घड़ी दूर नहीं जब इस मणि की सही उत्तराधिकारी जन्म लेगी और इस मणि को तुझसे छीन कर इसे धारण करेगी, और वो बनेगी नागिनों की नागिन, शेष नागिन।
और तब न सिर्फ तेरा घमंड चूर चूर होगा बल्कि तू उसके सामने नतमस्तक होगी। वो घड़ी आ रही है, वो आ रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् स्वजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर किसी राक्षस ने जन्म लिया है और धर्म की हानि हुई है, तब तक उस राक्षस का संहार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए ईश्वर ने अवतार लिया है, तेरे इस अहंकार का सर्वनाश करने के लिए, तेरी इस लंका को दहन करने के लिए। वो शिव वरदानी अवतार लेगी महक, वो आएगी नागिनों की नागिन, नागिन शेष नागिन, नागिन वो आ रही है। महक मासी, आपने जो किया मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। अब कोई आएगा जो आपको खत्म कर देगा? जरूर आएगा, आएगा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी अमामृता। ओम नमः शिवाय। मीनाक्षी, सब ठीक, सब ठीक। कांग्रेस, बेटी हुई है। ले 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 ले, चोचुई चोचुई। डॉक्टर, वो लेडी जो हमारे साथ आया, वो अब नहीं रही, वो चली गई, वो चल बसी। सो सैड। आ गई हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली हमारी दूसरी बेटी आ गई। अब ये बदले की नियति, इसका नाम प्रकृति। अन्नका, प्रगति का फोन आया था क्या आपको? वाह, क्या खुश। डोसा हो तो मीनाक्षी का ना तो ना। अयो चटनी, आहा। वाह वाह वाह, बेटी गई है कॉलेज ट्रिप पे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होता ना? अरे ट्रिप पे गई है ना। हाँ तो पहली बार गई है ना, पूरा 24 घंटा हो गया। अयो तुम एक एक घंटा गिनती? मैं उसी की उम्र गिन रही। जवान हो गई है अपनी लड़की,
कब से फोन मिला रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। तुम चिंता क्यों करती, वो छोटी बच्ची नहीं, और उसकी बस दिल्ली 9 बजे आने वाली, घड़ी देखो अभी सिर्फ 8 बजे। मिस्टर सुंदर, अपनी बच्ची बोली है पर बंदूक की गोली है, जब देखो नई मुसीबत में फंसती रहती है, अब किसी नई मुसीबत में ना फंस जाए ना। ये कौन सा गाना है, हमने तो ये गाना पहली बार सुना। पता नहीं, ये गाना तो मुझे भी नहीं पता, कैसे मैंने ये गाना गा दिया, कैसे मेरी जुबान पे आ गया, लगता मैंने ये पहले सुना हुआ है। अजीब बात है। पुरानी दिल्ली से पहले आखिरी स्टॉप है, जिसको भी चिप्स कोल्ड ड्रिंक पानी लेना ले लो जल्दी, और फटाफट उतरो, 5 मिनट के लिए बस रुकेगी। हाँ जी भैया, मिनरल वाटर दो ना। 25 रुपए। पर यहाँ पे तो 20 लिखा, तो 25 किस बात की मांग रहे हैं आप? मैडम, इस बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है, बिजली लगती है, तो इसलिए ठंडा करने का 5 रुपए। पर वो तो आपका काम है ना, अपना काम करने का कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगता है क्या? ऐसा चीटिंग करके आप लोगों से एक्स्ट्रा 5 रुपया मांग नहीं सकते। कोई नहीं देता है, जो प्राइस लिखा है मैं वही प्राइस दूंगी, 20 रुपया दूंगी बस। अरे आ गए सब, कोई छूटा तो नहीं है क्या? मैडम 5 रुपए के लिए झिकझिक कर रही है, आपकी बस छूट रही है। हाँ, आपका ये सब पेट डायलॉग ऐसे मेरे सामने मत मारो, मेरा बस छूट रहा है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, अपना 5 रुपया नहीं छूटने दूंगी मैं, जो गलत है वो गलत है। मैडम गलत कुछ भी नहीं है, आपको ये 25 रुपए में ही मिलेगी। 20 रुपए 25। चलो चलो बढ़ाओ, बस बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अरे बस, मेरी बस, अरे रुको मैं बाहर छूट गई हूँ, अरे मुझे छोड़ के मत जाओ, रुको। लड़की, ये लड़की कौन थी? और ये तूफान, ये तूफान क्या था, कैसे हुआ? ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। डैम ये कीचड़, ये गाड़ी वाले बाहर वालों को समझते क्या है, कीचड़ उड़ा दिया, कभी खुद उड़ जाते हैं तो कभी लोगों को उड़ा देते हैं, कोई डिसेंसी नहीं है, ये मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया, मैं मेरा पूरा फेस पे कीचड़ उड़ा दिया, दिस इज नॉट राइट, दिस इज वेरी रॉन्ग यार।
लोग तो लोग, यहाँ तो सांप भी। पता नहीं इस जंगल में और क्या क्या है, पूरा जंगल राज। कम ऑन प्रगति, कैच योर बस। आउच! अब तो मेरी बस भी छूट गई और मैं भी यहाँ जंगल में। एक तो एक जंगल का रास्ता है, यहाँ पर कोई कैब नहीं, कोई कार नहीं होगी, अब मैं घर कैसे जाऊं? अम्मा भी कितनी टेंशन में आ गई होगी। आइयो मुर्गन कर कर के सारे गॉड्स को घर पे इनवाइट कर लिया होगा और उनको भी टेंशन दे दिया होगा, पर सबसे बड़ी टेंशन तो मेरी है कि अब मैं घर कैसे जाऊं। हाँ, वो कीचड़ वाली गाड़ी, वो भी चली गई है। वो गाड़ी में जो भी था, एक तो उसने मेरे फेस पे कीचड़ उड़ाया ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, एक बार आया भी नहीं हेल्प करने, पूछने कि मैं आपको कहीं पे ड्रॉप कर दूं। आज मेरी ये बस उस गाड़ी वाले की वजह से मिस हुई है। सच में जंगल राज है, किसी को किसी की नहीं पड़ी। अयो अम्मा, आप ही बताओ मैं अभी क्या करूं? सिर्फ नाम प्रगति है पर प्रगति कुछ नहीं हो रही है। यहाँ पर जंगल के बीच में यहाँ पड़ी हूँ, भटकती आत्मा की तरह बस भटक रही हूँ। हे शिवा, अब आप ही बताओ कहाँ जाओ, किधर जाओ? अब जहाँ भी ले जाना है आप ही ले जाओ। समझदार होती ना तो इतनी टेंशन नहीं होती, पर आपकी बेटी आप ही की तरह सारे शौक अतरंगी से अतरंगी। अतरंगी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट की बेटी है, पुरातन चीज तो अपनी तरफ खींचेगी ना। अयो, मेरे को तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि आपको कौन कब कहाँ खींचता है, क्या क्या अतरंगी करते हो। अयो मुर्गन, अब मेरी बेटी इन पे ना जाए बस। दोस्त और रिश्तेदार जब पूछते हैं ना आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कितनी शर्म आती है, कबाड़ इकट्ठा करते हैं और दिन रात उसी में घुसे रहते हैं। मैं तुम्हारे खाने को अच्छा बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे काम को खराब बोलो। अयो, तो और क्या बोलूं, कौन जमा करता है अपने घर में इतना कबाड़, हर तरफ अजीब अजीब चीज। अयो, मेरे घर को म्यूजियम बना दिया। हेलो, बहुत पुरानी चीज मिली है, वो भी यमुना नदी के अंदर। हाँ, मैं आया। अयो, लोग अपने घर से बंगार बाहर फेंकते हैं और आप एक नया बंगार लेने जा रहे हो, पता नहीं क्या प्यार है आपको इतनी पुरानी चीजों से। तू भी तो पुरानी है, तुझसे भी तो प्यार करता हूँ। अयो, लड़की घर नहीं आई है सुबह से और आप बड़े नागार्जुन बन रहे हो। अप्पा अम्मा, मैं काम पे जा रही हूँ, आई होप आज ही इंटीरियर डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए। विधि बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अयो, मुझे भी काम पे जाना। सुन विदुषी। हाँ माँ। प्रगति का फोन आया क्या तुझे? आ जाएगी, बच्ची थोड़ी ना है मेरी बहन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शिवा शिवा, मेरा दिमाग खराब, बार मौसम भी खराब, पता नहीं कब आएगी ये लड़की। ये शिवा, सच अ ब्यूटीफुल टेंपल, यहाँ जंगल के बीच, मुझे देखना चाहिए। चल प्रगति।
मैं इस जंगल में एक जंगली जानवर का शिकार करने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा शिकार इतना खूबसूरत निकलेगा। Listen, you bloody fool! मैं यहाँ लटक रही हूँ और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। देखो तुम्हारी ये फ्लर्टी ट्रिक्स ना मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, समझे? ट्रिक्स? और मैं तो यहाँ शिकार करने आया हूँ। You bloody liar! तुम यहाँ ना गेम खेलने आए हो। मैं जानती हूँ वहाँ जंगल में मैंने तुम्हें देखा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे, और मैं जानती हूँ कि वो सांपों को ना तुम ही ने मेरे पीछे छोड़ा है, तुम ही हो वो। मैं यहाँ जंगल में डांस कर रहा था, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। एक मिनट, मैं यहाँ आ रहा था ना तो मुझे भूतनी मिली, तो मैं उस भूतनी के साथ डांस कर रहा था। ये ना लड़कियों की पुरानी ट्रिक है, बस जानने के लिए कि ये लड़का सिंगल है या गर्लफ्रेंड के साथ मिंगल कर रहा है। By the way, मैं सिंगल हूँ, और अगर गर्लफ्रेंड होती भी ना तो ये दिल ना बहुत बड़ा है, इसमें हजारों गर्लफ्रेंड समा जाएगी, और तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए तो मेरे इस दिल में खास जगह बनाऊंगा। Listen, how cheap, how disgusting! तुम्हें दिख नहीं रहा? एक लड़की लटकी हुई है, ऐसा नहीं कि पूछ लो कि मेरी मदद कर दे, पूछ लो कि कहीं तुम्हें उतार दूं, तुम्हारी मदद कर दूं, help me, उतारो मुझे नीचे अभी। अब दिल वाली दुल्हनिया तो लेकर ही जाएंगे, राघव ने इस कहानी में अब एंट्री मारी है तो हीरोइन को तो बचाना ही पड़ेगा। तुमने मुझे अपनी बाहों में ऐसे, how dare you, मुझे टच किया है, छोड़ो मुझे। मैडम टच नहीं, कैच किया है। नहीं छोड़ो, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। छोड़ दूँ? Yes please मुझे छोड़ो। छोड़ दूँ? Yes please जल्दी छोड़ो मुझे। छोड़ दूँ? Yes okay छोड़ो। छोड़ दिया। मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, गिर गई मैं। तुम्ही ने तो कहा था छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। सच में जंगल राज है, सब जंगली है यहाँ पे। अरे अरे मेरी बात तो सुनो सेनोरिटा, सुनो। तुम ना गुस्से में ना बड़ी क्यूट लगती हो, लुक एट योर फेस, गोरे गोरे गाल, काली काली आंखें, ओह माय गॉड। डोंट फ्लर्ट विद मी ओके, लड़की दिखी नहीं की? हेलो सेनोरिटा, तुम पर ना मेरा दिल आ गया है। बाय द वे लड़कियों की बात करती हो ना तो मेरे पीछे हजारों लड़कियां मरती है, लाइन लगती है लड़कियों की, और लड़कियों को मैं नहीं लड़कियां मुझे देखती है। पर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। तुम उन्हीं लड़कियों में से हो, और मुझे ऐसा लगता है तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें कहीं देखा है। तुम अपना नाम बताओगी ना तो पता चल जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? शेरनी। तुम्हें शेर? देखो तुम अपना नाम नहीं बताओगी ना तो मुझे गैस करना पड़ेगा, कहीं तुम्हारा नाम फूलमती तो नहीं? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा नाम होगा सौंदर्य, या फिर तुम्हारा नाम है प्रेम भरी। लड़कियां पटाने का ये स्टाइल ना बहुत पुराना हो गया है। तुम्हारी ये ट्रिक ना तुम्हारी बाकी हजारों गर्लफ्रेंड्स पे चलती होंगी, पर मुझ पे नहीं चलेगी। ठीक है तो तुम ही बता दो कि मैं तुम्हें प्यार से क्या बुलाऊं। तुम सुन क्यों नहीं रही हो मेरी बात? ये ना जंगल है, यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, उनके साथ मिंगल करना है क्या? और जानवर तो छोड़ो, यहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, भटकती आत्माएं होती है, कहीं किसी आत्मा का तुम पर दिल आ गया ना फिर कहना मत कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता है, और वैसे भी यहाँ सबसे बड़े भूत तो तुम ही हो। तुम्हारा मतलब है हैंडसम? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। शिवा, प्रगति, सच्ची कहाँ फंस गई तू? यहाँ तो सच में जंगली जानवर है, पहले वो सांप, फिर वो पैलेस, फिर वो अजीब अजीब दृश्य, अब ये जानवर तो मुझे चीट फाड़ देंगे। नहीं मुझे यहाँ जंगल में नहीं मरना है। ए क्यूटी पाई, देखो मेरा ऑफर ना अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ है, और तुम तो जानती हो कि यहाँ कितना खतरा है। अरे इतना मत सोचो, आ जाओ वापस।
कंफर्टेबल? वैसे तो लोग जंगल में शिकार करने जाते हैं, मैं भी शिकार करने गया था, तुम क्यों करने गई थी? मैं रास्ता भटक गई, मेरी बस छूट गई थी, तो मैं चलते चलते वहां पहुंच गई। ओहो, सो हॉट। यह आई नो, हॉट तो मैं आज भी हूँ, और तुमने आज एक हॉटी के साथ सफर किया तो हॉटनेस और डबल होगी ना डार्लिंग। अपनी तारीफ करने का एक मौका नहीं छोड़ती ना तुम। तारीफ तो मेरी पूरी दुनिया करती है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी खुद की तारीफ करती हूँ। मैं आज भी 16 साल वाला धड़कता हुआ दिल हूँ, मैं आज भी तारीफ के काबिल हूँ। दुनिया को क्या पता मैं कौन सी चीज हूँ, मैं वो चीज हूँ जो दूसरा और कोई नहीं है। मैंने प्रथा और प्रथा का किस्सा सालों पहले खत्म कर दिया था, अब नाग लोग और इस घर पे मेरा हक है।